हमीरपुर में जिक्सा डांस एकेडमी नन्हे मुन्ने बच्चों को तराश कर एक मंच प्रदान करवा रही है, जिसके चलते ही जिक्सा डांस एकेडमी के बच्चों का चयन हिमाचल डांस के लिए हुआ है। बच्चों के चयन होने पर जिक्सा डांस एकेडमी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। हमीरपुर सब्जी मंडी के पास स्थित जिक्सा डांस एकेडमी हमीरपुर के बच्चों का चयन डांस हिमाचल डांस के लिए हुआ है, जिसके चलते बच्चों ने दिन रात मेहनत की है। ये बच्चे बहुत ही कम उम्र के हैं जो डांस हिमाचल डांस के लास्ट फाइनल राउंड में अपनी परफॉर्मेंस देंगे। जिला जिक्सा डांस एकेडमी हमीरपुर के बच्चों ने बताया कि उनका चयन डांस हिमाचल डांस के लिए हुआ है, जिसके लिए वे सब बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि वे हिप हॉप, रोबोटिक डांस, बॉलीवुड और भांगड़ा आदि डांस करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कोरियोग्राफर सागर द्वारा ये सारे डांस सिखाए जाते हैं। किस तरह से तैयारी करवाई आपने आपकी यहाँ पे? बहुत अच्छी तैयारी करवाई। किसने तैयारी करवाई? हमारे सर सागर सर ने। ओके, आपकी एकेडमी का क्या नाम है? जिक्सा डांस। कौन कौन से डांस सिखाते हैं? बॉलीवुड, फ्री स्टाइल, भंगड़ा, हिप हॉप, रोबोटिक। ओके, आप मतलब आपका जो है डांस हिमाचल डांस में सिलेक्शन हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्या क्या सिखाते हैं? और सब कुछ, बॉलीवुड, भंगड़ा, फ्री स्टाइल, रोबोटिक, भंगड़ा। आप बता दो। भंगड़ा, फ्री स्टाइल, यस हम जीत के आएंगे। ओके, मतलब कॉन्फिडेंस है पूरा? यस, बॉलीवुड, फ्री स्टाइल, भंगड़ा, रोबोटिक, हिप हॉप। कैसा लग रहा है आपको? आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको लगता है कि आप फाइनल में जाओगे? यस। तैयारी कितनी देर तक करते हो आप? कोरियोग्राफर सागर पिंसी ने बताया कि बहुत ही मेहनत के बाद बच्चों ने इस मुकाम को हासिल किया है। उन्होंने बताया कि बच्चे हर दिन 2 से 3 घंटे तक डांस प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे फाइनल राउंड में हिप हॉप, रोबोटिक डांस, बॉलीवुड और भंगड़ा प्रस्तुत करने वाले हैं। हमारे बच्चे जो डांस हिमाचल डांस में सिलेक्ट हुए हैं, पहली बात तो मुझे बहुत खुशी है कि अभी ये बहुत छोटे हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से किया, मेहनत की है इन्होंने और बहुत अच्छे से किया। मुझे बहुत खुशी है कि ये फाइनल राउंड तक पहुंच गए हैं और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से रिहर्सल भी कर रहे हैं, पर हमें फाइनल के लिए बहुत कम समय मिला है, पर हमने बहुत कम समय से बहुत अच्छे से मतलब बच्चों को करवाया और हमें बहुत खुशी है कि ये फाइनल में पहुंचे। पर पूरी उम्मीद तो है जीतने की, बट कोशिश भी पूरी है, बाकी परमेश्वर के हाथ में। वैसे वर्सेटाइज करवाता हूँ बच्चों को, फर्स्ट है हिप हॉप, फिर उसके बाद पहले फर्स्ट रोबोटिंग है, सेकंड हिप हॉप है, फिर थर्ड अपना बॉलीवुड है, फिर भांगड़ा है। अभी तो यही करवाया, अभी स्टार्टिंग में 5 फॉर्म करवाए हैं अभी धीरे धीरे, वैसे आगे तो वर्सेटाइल ही करवाया मैंने, बहुत से फॉर्म इनको करवाया अभी कम समय में, बस मैंने अभी इतना ही करवाया है कोऑर्डिनेशन में। फाइनल तक तो पहुंच चुके हैं बच्चे, पर उम्मीद ये है कि हमारे बच्चे जीते चाहे ना जीते, पर सबके मुंह पे ये होना चाहिए कि बहुत अच्छा किया हम लोगों ने, हमारी जीत उसी में ही है। अवेकस एकेडमी के MD दीवान भारद्वाज ने बच्चों के फाइनल राउंड में पहुंचने पर खुशी जताई और बच्चों के परिजनों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे फाइनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं, ये सिर्फ 5 और 7 साल के बच्चे हैं। बच्चों ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है और आज उन्हें इसका फल भी मिल रहा है। सबसे पहले मैं सभी बच्चों को बधाई देना चाहूंगा, उनके माता पिता को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने अपना यहाँ पर समय दिया, और जो हमारे कोरियोग्राफर स्पेशल मिस्टर सागर प्रिंस जी, उन्होंने बहुत मेहनत की इन बच्चों के लिए। लगभग 2 महीने से लगातार तैयारी करते रहे हैं, 2 या 3 घंटे ये डेली प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, और हिमाचल प्रदेश का ये सबसे छोटा एज ग्रुप है। हमारे पास 4, 5, 6 और 7 साल के बच्चे हैं ये, और इनका अगर आप डांस देखोगे वे काबिले तारीफ है। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे बच्चे फाइनल तक पहुंचे हैं, ये हमारे लिए, हमारी एकेडमी के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है और खुशी की बात है हमारे लिए भी। मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे वहां से जीत के आए और उसका जो सारा क्रेडिट मैं सागर सर को दूंगा, जो इन्होंने बहुत अच्छी बच्चों की तैयारी करवाई है। तो डांस हिमाचल डांस में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे बच्चे हमारे जा रहे हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि वहां से जीत के आए।